कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं, लेकिन फिर भी हमने दिए. उसके सारे सर्टिफिकेट्स मेरे फादर इन लॉ ने मीडिया के सामने ऑलरेडी पेश कर चुके हैं, लोगों ने वो देखे हैं और आज भी जनता समिति के साथ है और अभी भी प्रूव हो चुका है कि कौन फर्जी काम कर रहा है. और ऐसे डॉक्यूमेंट्स रोल बन सकते हैं, कोई भी इंटरनेट से प्रिंट कर सकता है. जिस तरह वसूली का नाम पे आरोप लग रहा है उस पर आपका क्या बोलना है? कभी दुबई का नाम आ रहा है सामने, कभी मालदीव का नाम आ रहा है सामने. नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सट्रॉर्शन अगर समीर को करना होता तो कंप्लेन कर चुके होते. आज की डेट में उनके जैसे स्पॉटलेस करियर नहीं है, बहुत कम ऑफिसर्स ऐसे हैं जो उनके जैसे ऑनेस्ट काम करते हैं. तो मुझे ऐसा कहना है कि वो जैसा काम करे उन्हें करने दीजिए. वो एक्सट्रॉर्शन के अगर चार्जेस कोई लगा रहा है तो उसके साथ में कोई प्रूफ भी पेश कीजिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ, कोई मैसेज हो, कोई समीर वानखेड़े का कोई रिकॉर्डिंग हो, कुछ तो हो. सिर्फ हम ऐसे नहीं बोल सकते. तो वैसे भी मैं भी बोल चुकी हूँ इसने एक्सट्रॉर्शन किया, उसने एक्सट्रॉर्शन किया. ये बेसलेस कमेंट्स है. आई डोंट थिंक ऐसे बेसलेस कमेंट्स पे किसी ने ध्यान देना चाहिए. मैम जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये समीर वानखेड़े पे आरोप लग रहे हैं, बहुत सारे आरोप ऐसे लग रहे हैं जो उनपे नहीं ये हो रहा है, तो आप क्या मतलब अगर कोर्ट में जाएगा ये केस तो किस तरह से समीर ने, समीर जी कभी भी विजिलेंस से डरे नहीं है. उन्होंने जो भी ऑनेस्टी से काम किया है वो लोगों के सामने उन्होंने पेश किया है. उनको बार बार सरकार ने पुरस्कृत भी किया है. तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो कहीं भी कोई भी लेवल पे उस चीज़ से वो ये है वो डरते हैं या कोई भी चीज़ से. और मुझे क्वेश्चन है जिस तरह से मतलब अगर कोर्ट में गया ये केस तो फिर खारिज कर पाएगा या फिर नहीं, जिस तरह से आप लड़ेंगी नहीं लड़ पाएंगी क्या? हाँ हाँ, तो वही मैं बोलना चाहती हूँ सॉरी कि वो बिल्कुल भी विजिलेंस से उनको कोई भी खौफ नहीं है. अगर कोई इस केस का कोई एक्सट्रॉशन एंगल देखना चाह रहे हैं तो जरूर देखें. समीर वानखेड़े क्लीन एंड क्लियर बाहर निकले. रिलीजन को लेकर जिस तरह से इस मुद्दे में सीधा जा रहा है उस पर आप कुछ टेक लेना चाहेंगे? समीर वानखेड़े जिस हिसाब से अपना रिलीजन प्रूव करने के लिए हम लोगों के डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही शर्मिंदगी वाला है. वो क्यों? क्योंकि वो एक छोटी जाति से आते हैं, क्योंकि वो एक छोटे गांव से आते हैं. इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. तो आप उनको क्या लगता है वो सबके सामने आएंगे तो वो शर्मा जाएंगे? नहीं, उनको बहुत अभिमान है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं. उनको अपनी जात का अभिमान है, उनके गाँव का अभिमान है, उनको इस चीज़ का अभिमान है कि उनके फादर हिंदू है, उनके ये चीज़ का भी अभिमान है कि उनकी मदर मुस्लिम है. वो एक सेक्युलर बंदा है, उसके पैर खींचने की कोशिश ना करें. उसके रिलीजन के सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ऑलरेडी पेश किए हैं. यूपीएससी ने अगर उनको एक जॉब पे रखा है तो डेफिनेटली उनकी पूरी जांच की गई है, तभी वो उस पोजीशन पे है. तो इस चीज़ को चैलेंज करना इसका मतलब अपने सिस्टम को चैलेंज करने जैसे है. इतने बड़े ऑफिसर को चैलेंज करना और बहुत सारे आरोप को लगाना, क्या कुछ आपको लगता है कि इतने आरोप क्यों लग रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी की सोची समझी साजिश है, जिसका भी फायदा इस चीज से होने वाला है कि वानखेड़े जी उस सीट से हट जाए. वो भी कर रहे हो, कौन करेगा? तो इस पे किसको पकड़ते हैं समीर वानखेड़े जी? ड्रगी लोगों को ना, तो जरूर ये ड्रगी लोग ही कर रहे हैं. जिनको अपना ड्रग्स का कारोबार शायद शुरू रखना है वो लोग कर रहे हैं, वो लोग की सोची समझी साजिश होगी. आर्यन खान को लेकर जिस तरह से समीर सर ने अपना दिखाया उन्होंने, और ये भी आपको लग रहा है कि वो कुछ पैसे लिए हैं इस तरह के, उसमें क्या बोला? बोला ना मैंने एक्सट्रॉशन के बारे में. एक्सट्रॉशन के बारे में मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि समीर वानखेड़े की जो ये जो एक्सट्रॉशन का ये जो चल रहा है इसके ऊपर ऑलरेडी सिस्टम ने कहा है कि उसकी उसके ऊपर जांच होगी. समीर वानखेड़े ने कभी भी जांच से बैकआउट नहीं किया है, और अगर एक्सट्रॉशन का कोई प्रूफ है उनके पास तो वो सामने आए और वो कोर्ट में सादर किए. ये नहीं कि हम ट्विटर पर डाल देंगे. क्या प्रूफ है उनका? कुछ लिखित है, समीर वानखेड़े ने किधर बयान दिया है, उनका कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग है, कुछ फोन रिकॉर्डिंग है, कुछ व्हाट्सएप चैट है, बताइए. कुछ नहीं मिलेगा. आई नो माई हस्बैंड. थैंक यू. जिस तरह से समीर वानखेड़े सर पे आरोप पे आरोप लग रहे हैं, क्या आप पहले बोलना चाहेंगे? ये आरोप गलत है. ये एक ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से लगाया जा रहा है. अगर ये आरोपों में अगर थोड़ा सा भी सच होता तो माननीय मंत्री जी जो एक काफ़ी एक स्पोक्समैन है उनके काफ़ी कोई उनको संविधान के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो पता होगा. तो वो कोर्ट में जाइए, इतने पुख्ता सबूत हैं उनके पास. प्लीज गो टू द कोर्ट, जॉब देयर विद योर एविडेंसेस, यू गेट लेटर्स. आज एक लेटर पोस्ट किया गया था जिसके ऊपर कोई भी नाम नहीं है. उनको इतना सा नहीं पता वेर देयर इज नो कंप्लेनेंट देयर कैन बी नो कंप्लेंट. आपको पता होना चाहिए कि वेर देयर इज नो
कंप्लेनेंट देर इज नो कंप्लेंट, एक अननोन अज्ञात लेटर को देर इज नो अप्रूवल इन लॉ, तो आप अगर ट्विटर को कोर्ट समझते हैं तो आप आपकी एक पर्सनल इशू है, आपके रिसर्च टीम को पकड़िए, लेकर जाइए, उठाइए और जाके कोर्ट में फाइल कीजिए आपके ये बड़ा ही शर्मनाक किस्सा है कि कोई भी उठा के कोई भी इंसान किसी भी बेटी को, बहू को, पिता को, मृत्यु माँ को, आप कुछ भी बोल रहे हो, अनाप शनाप बक रहे हो, यू आर एट अ पोस्ट, यू शुड रिस्पेक्ट विमेन, यू शुड रिस्पेक्ट समबडीज बहू, यू शुड रिस्पेक्ट समबडीज डॉटर, यू शुड रिस्पेक्ट समबडीज फादर, आपको आपको इस बात का एहसास होना चाहिए बेसिकली कि आप इतने बड़े पोस्ट पे हो, आपकी भी बहू बेटी आप डेफिनेटली जरूर है, तो आप उनको सोच, आप मैंने उनको तो कभी नहीं देखा ये सवाल और जवाब के माध्यम से, तो आप उनकी बहू बेटियों के उनके भी पिक्चर्स होंगे, उनका भी कोई होगा, तो आप सोचिए इतने घिरे घिरा हुआ काम करना, ये तो मुझसे नहीं हुआ, आई विल नेवर डू दैट, आई विल पर्सनली से दैट, आप बहुत रिस्पेक्टेड इंसान है, आप अपनी क्लास में चलिए, आपको आपका क्या इरादा है मुझे तो समझ नहीं आती है, but you are definitely creating a false image, definitely you are tarnishing a name of a woman, आपने एक बैठे बैठे एक क्रिमिनल लॉयर को, एक लॉयर है जो औरतों के लिए लड़ती है, उसकी सेफ्टी के लिए लड़ती है, एक एक औरत है जो जो केस लेती है, आपने उस औरत को डॉन बोल दिया, एक आपने एक संविधान के इंसान को डॉन बोल दिया, मतलब आप कितने गलत हो सकते हो, आपने एक आपने वो नहीं चला तो आपने गलत ट्वीट कर दिया, जहाँ दुबई बोला गया, आपको पासपोर्ट चेक कीजिए, आप एक ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले आप अपने वेरिफिकेशन कीजिए, आप सुबह सुबह उठ के कोई भी माध्यम से किसी को कुछ नहीं बोल सकते, आप गलत हो इस मामले में, इट इज़ मॉरली एथेटिकली एंड प्रिंसिपली रॉन्ग वट एवर यू आर गोइंग एंड इट इज़ इवन लीगली रॉन्ग टू डू दैट, आप कोई भी माध्यम से कोई भी चीज, आप एक 75 इयर्स ओल्ड के एक्स पुलिस मैन को आप गलत गलत सर्टिफिकेट बोगस सर्टिफिकेट बनाने का इल्ज़ाम दे रहे हो, आप एक ऑनेस्ट ऑफिसर को सिर्फ सिर्फ ड्रग्स पकड़ने का काम कर रहा है उसके ऊपर आपने इतने बुरे इल्ज़ाम लगाए, जिसने अपनी जान पर खेलकर डोंगरी पे जिनके ऊपर इतनी सारी आफतें आई थी, जिन्होंने अपने अपनी जान को रिस्क पर रखकर जो जो बचा जो ये रैकेट काम करते हैं, तो आपने उसको नहीं देखा और आपने ये सब चीज़ों वाई इज दिस डिवोर्स एंड वाई इज दिस सर्टिफिकेट्स एंड वाई इज दिस रिलीजन एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड रिलेटेड विद ड्रग्स, ये कहाँ तक की कनेक्शन इनका, मैं को नवाब मलिक जी जवाब दीजिए, ये तीनों का कनेक्शन कहाँ मिलता है, आरोप लग रहे हैं मेरा भाई, आप एक एक आदमी है जो एक NIA में काम करता है, एक बड़ा ऑफिसर रह चुका है ना, जो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है हमारे देश की, आप वो एक ने काम कर चुका है, ही इज वेरी ऑनेस्ट ऑन हिज एवरी पोस्ट, ही वाज नेवर लेबल्ड और नेवर had and appointed, but the thing is that it is very sad to know that right now that he's been questioned, he's been allegated extortion लिया होता तो वो अब तक जेल में क्यों होता, it's a very sensible बात, as a lawyer I'm saying this, as a personal lawyer के अगर ये सब बात हो जाती तो वो बेचारे अब तक वो बेचारा बच्चा जेल में क्यों होता, I'm just talking normally like you know as a normal lawyer, और extortion ये सब चीजें अगर होती तो नवाब मलिक जी की जगह होते, उनकी तरह जी रहे होते, उनकी तरह लाइफस्टाइल होती हमारी, लेकिन हम तीन तीन दिन या दो दो दिन की पैकेजेस लेकर पैसे जमा करके जाते हैं, जमा करके पैसे तो ऐसी जगह पे जहाँ पर हम हमारी फैमिली को दो दिन सुकून में दे सके साल भर काम करके, तो आप उसको टारगेट बनाए तो आपकी तरह तो लाइफस्टाइल हमारी है नहीं, क्या बोल सकते हो कि हम एक्सटॉर्शन करते हैं, और अगर आप बोलते हो तो प्रूफ कीजिए, प्रूफ होंगे, प्लीज गिव प्रूफ, ट्विटर कोर्ट नहीं है, प्लीज गुड दो ऑनरेबल कोर्ट, दे आर देयर, संविधान है हमारे लिए, प्लीज जाइए वहाँ बात कीजिए, वहाँ जवाब दिया जाएगा। या मैम, जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं उसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे, अभी तक कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि सही है गलत है, आप जिस तरह से बोल रही है धमकियों के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आई एम गेटिंग अननोन कॉल्स, आई एम गेटिंग अननोन कॉल्स सेइंग कि आप कौन से कोर्ट में है, तू से जवाब दिया जा रहा है,
एक अननोन कॉल जा रहे हैं 00 नंबर से, मुझे पता नहीं है, लेकिन काफी कुछ अननोन कॉल्स और धमकियों के कॉल जा रहे हैं कि तुझे मार देंगे, तुझे खत्म कर देंगे, तुझे उठा लेंगे, तू अपने आप को क्या समझती है, जबान तेरी बहुत चलती है, कहाँ फेंक के जाएगी तुझे पता भी नहीं चलेगा, ये मीडिया तो है जो आज है कल नहीं है, ये सब दिखाया नहीं जाएगा, तू कहाँ गायब हो जाएगी, तू रुक, तुझे दिखाते हैं हम, तुझे ट्रैप करते हैं, थ्रस्टिंग ऑपरेशन करते हैं, ये सब भी बोला जा चुका है मुझे कि तू जा रही होगी तो तेरा फोटो खींचेंगे हम, कोई ऐसी सब गलत गलत बातें बताया जा रहा है मुझे, और मुझे डर है, मुझे काफी डर लगता है, मेरी फैमिली के लिए डर लगता है, फॉर अस तो क्रिमिनल्स को, हम क्रिमिनल्स को झेलना तो हमारा डेली काम है, लेकिन मेरी फैमिली के लिए, सर्टेनली मेरे भाई के बच्चों के लिए, मेरे खुद के बच्चों के लिए, मेरी मेरी भाभी के लिए मुझे काफी डर है। जिस तरह से आरोप लगे हैं, क्या कुछ अगर कोर्ट में जाना होगा तो आप केस लड़ेंगे, क्या कुछ बोला जाएगा? आप एक संविधान के इंसान को ये सवाल पूछ रहे हो, मैं इसका जवाब आज नवाब मलिक जी के भाषा में दूंगी, अगर मैं कोर्ट जाती हूँ या कोई भी पेपर देते हैं तो मैं उसे ट्विटर पे ट्वीट करना इस बार पसंद करूँ। जिस तरह से समीर वानखेड़े इतने बड़े पोस्ट पे हैं और अब आरोप लगने स्टार्ट हुए हैं, तो क्या कुछ रीजन लगता है आपको? आप ही बताइए, आपका सवाल में ही आपका जवाब है। इतने दिन से जब बेचार, जब मेरा भाई जो एक बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर है, जब से वो रात भर वो होता है नहीं घर पे, दिन भर वो नहीं होता, वो बराबर से ही डजंट ईट हिज फूड, ही इज ऑन द मिशन ऑफ क्लीनिंग इंडिया और जवानों के साथ लेके मिशन कर रहा है वो, ही इज डूइंग अ, द होल एजेंसी इज डूइंग अ वंडरफुल वर्क, देयर आर पीपल इन द ऑफिसेस, दे कम, आई हैव एन एनजीओ, पर माँ बाप आके मुझे थैंक यू बोलते हैं कि हमारे एरिया में बिल्कुल आपके भाई की वजह से हमारे बच्चे सुधर गए, सो आई सी द गुड पार्ट ऑफ इट बेसिकली, सो अभी दैट इज द ओनली थिंग, हर एक बुरे के साथ एक अच्छा होता है, हर एक अच्छे के साथ बुरा होता है, मुझे पता है कि मैं, हम सब सच हैं, हम पूरा वानखेड़े परिवार सच है, तो सत्य में जीत ही होती है, सो वी आर वेटिंग, जस्ट वी आर वेटिंग फॉर सत्य की जीत होगी, आपको जो करना है, आपको जो इल्जाम लगाना है वो बिंदास लगाइए, क्योंकि हम अब बैठे हैं यहाँ पर, इस बात का ये सबूत है कि हम बैठे हैं यहाँ पर, आपका जवाब देते हैं। पहले एक बनाया गया था स्टार्टिंग से, एक वन टू वन अगर आप सीक्वेंस देखोगे तो पहले मेरा नाम लिया गया विटनेस के साथ, फिर सेकेंड आपने मेरा नाम, फिर मैं आई पिक्चर में, आपने मेरे न्यूज चैनल्स में मेरी, मेरे जो स्टेटमेंट्स गए, फिर उन्होंने मेरे ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, फिर मेरे दुबई और मालदीव्स के फोटो, जो उनको पता भी नहीं है कि मेरी भाभी और मैं, उनकी फैमिली मेरे भाई मेरे साथ है, उनको ये पता भी नहीं है और मैं अकेली गई थी, ये बात का पता नहीं है, प्रोटोकॉल लेवल होता है, पासपोर्ट चेक कीजिए आप, वेरिफिकेशन चेक कीजिए, आपको बात पता होना चाहिए, तो बेसिकली आपको कुछ भी मालूम नहीं है और आप इल्जाम से इल्जाम लगा रहे हो, फिर थर्ड आपने मेरे डैडी के ऊपर इल्जाम लगाया था सीक्वल, कि आपका कास्ट बुरा है, आप बोगस इंसान हो, जो इंसान 75 इयर्स का है, जो जो एक एक्स पुलिस ऑफिसर रह चुका है, आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि पूरा सिस्टम फेलियर है ये, आपने द होल सिस्टम हैज केप्ट माय ब्रदर एंड गिवन हिम सच अ पोस्ट, आपने पूरे सिस्टम को फेलियर करार दिया है, कि फेलियर के आप सर्टिफिकेट चेक नहीं कर पाए, उनका नाम डिफरेंट है, आप सिस्टम फेलियर प्रूफ करना चाहते हो इसके माध्यम से, आप बोलना चाहते हो कि सब बोगस है, मैं ही सही, आप ये बोलना चाहते हो, आप पूरे सिस्टम को फेल बताना चाहते हो, ऐसे तो आप NIA के ऑफिसर को बोल रहे हो, वो GST जो रह चुका है, उनके पोस्ट अलग अलग हो चुके हैं, आप पूरे NIA में भी हो चुका है, एक बड़े बड़े पोस्ट पे एजेंसी पे, आप सब एजेंसी उसको आपकी, आपको उनको दिखा रहे हो कि ये कितने बड़े फेलियर है, आप ऐसा बोल रहे हो कि उन्होंने ओवरचेक नहीं किया होगा और जाने दिया होगा, आप ये केसेस को, आपके पास अगर, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ, अगर आपके पास इतने अच्छे सबूत हैं, आपके पास एक्सीलेंट सबूत है, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप एक पॉलिटिकल बहुत अच्छी पोस्ट पे हो, आप उठिए और कोर्ट जाइए। जिस तरह से आर्यन खान का उन्होंने संभाल रखा था अभी तक का, उसमें क्या कुछ बोलना है, उन पे आरोप लग रहे हैं कि right now I came to know with my lawyers that there was a affidavit filed by the advocate of Aryan Khan, that he has, Mr. Samir Wankhede has no involvement in that, and that is a good news for our lawyers, but the thing is that it's sub-judice aur mujhe usme no comment, so ye case mere hath mein nahi hota to definitely I would have given a statement. Yeah, thank you.